खबरें जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक और शहर से लेके गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाल श्रमिक काम करते मिले तो होगी FIR, ये कहना है जिलाधिकारी का। जी आपको बता दें कि बाल संरक्षण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी हरदोई ने उपस्थित समिति के सदस्यों से कहा कि सभी बाल उत्पीड़न के प्रति सतर्क होकर समन्वय बनाकर काम करें और एक दूसरे के संपर्क में रहें। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण से संबंधित चलने वाली सभी योजनाओं की जानकारी समिति के सभी सदस्यों को होनी चाहिए और समय समय पर अधिकारी व समिति के सदस्यों द्वारा बाल संरक्षण के प्रति कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला व बाल उत्पीड़न से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, आशा ज्योति 181 तथा स्वास्थ्य विभाग की 108 व 102 के नंबर समस्त स्कूल कॉलेज पंचायत घर ब्लॉक तहसील रोडवेज बसों पर संबंधित अधिकारी 15 दिनों में अंकित कराएं ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोग सही नंबर पर अपनी शिकायत भेज सकें। बैठक में समिति के सदस्यों ने बताया कि कम वजन वाले लावारिस पाए गए नवजात शिशुओं को लखनऊ में CWC द्वारा लेने से इनकार किया जाता है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि उनके माध्यम से उनके निदेशक को पत्र भेजा जाए। बैठक में जिला प्रमोशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया कि चाइल्ड होम के लिए भूमि का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और होम की निर्माण एजेंसी CNDS है। बाल श्रम रोकने के संबंध में जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिए कि ढाबे ईंट भट्टे व होटलों आदि पर छापेमारी की जाए और बाल श्रमिकों को मुक्त कराते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बाल संरक्षण समिति की मासिक बैठक होनी होती है, आज वही करी गई है। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष के जो प्रकरण सभी स्तरों से हो गए थे उसको भी समिति के सामने रख के अनुमोदन प्राप्त करा जाना होता है। यही दो बैठकें अभी संचालित करी गई हैं।